की सिद्धाश्रम की हम सभी साधु संत भक्तों की भारत माता की आज मंगलवार है तो मंगलनाथ की जय। अधिक मास चल रहा है भगवान विष्णु का महीना तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए ये तो आप लोग को पता ही है ना, दिन में कितनी देर मुस्कराते हो। आदमी को अपना एक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि हम थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द नाइट आउट ऑफ ऑल 24 आवर्स हाउ मेनी आवर्स वी आर रियली स्माइलिंग। दुर्गा सप्तशती का श्लोक ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते। तो आउट ऑफ दिस कंप्लीट वन श्लोक जयंती अल्टीमेट प्रोवाइडर ऑफ विक्ट्रीज एवरीवेयर, आप जीत जाएं। और जब आदमी जीतता है तो मुस्कुराएगा कि रोएगा बताइए। तो जयंती है तो फिर आप रोने कोई मतलब नहीं है दुखी होने का। मंगला तो मंगलनाथ जी क्या करेंगे, जब मंगल आप साथ है तो मंगल आपको अनुकूलता देंगे कि नहीं देंगे। भद्रकाली, भद्रकाली अच्छा नाम है। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, वो कपालिनी आती थोड़ा गड़बड़ लगता है बराबर है। आगे के नाम भी अजीब से है मेरे पास टाइम नहीं एक्चुअली इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। नमोस्तुते हे माता तुझको हर रूप में नमस्कार। तो चाहे आपके सामने भद्रकाली खड़ी हो चाहे कपालिनी खड़ी हो चाहे जयंती खड़ी हो चाहे स्वाहा खड़ा हो चाहे स्वधा खड़ा हो। स्वधा माने तर्पण, स्वाहा माने हवन, स्वाहा माने अग्नि की पत्नी, समझ गए कि नहीं। आदमी जब बहुत गुस्से में तो जा सब जला के स्वाहा कर दूंगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं अपने आप को ही स्वाहा कर दूंगा, तो बड़ा विचित्र स्वाहा भी। तो खैर आप मुस्कराने के लिए पैदा हैं क्योंकि आपका जो भगवान ने आपको जो गुरु दिया उसको उसके गुरुओं ने और बगला माने की शिक्षा दी कि तुम केवल मुस्कराओ। एक ही श्लोक है तुम केवल मुस्कराओ। तो बगला मुखी के भक्त के लिए दुनिया में एक ही वाक्य है केवल मुस्कराओ। सारांश केवल ये कि अगर आप बगला मुखी भक्त हैं तो जीवन में भय का कोई स्थान नहीं, टोटली फियरलेस। अगर आप फियरलेस हैं तो आपको सब मिल भी जाएगा। आँखों में इम्पैक्ट कितना है, एक हीरो फिल्म में आँखों से आंसू गिरा देगा भले ग्लिसरीन वाले, इम्पैक्ट है। तो आपके मंत्र जो जप है ना, दिस कॉल्ड डायलॉग डिलीवरी। व्हाट इज कॉल्ड चैंटिंग अ मंत्रा, डायलॉग डिलीवरी, राइट। सो हाउ यू आर डिलीवरिंग योर डायलॉग, हाउ यू आर चैंटिंग योर मंत्रा, व्हाट इम्पैक्ट यू आर पुटिंग ऑन द डीटी। जिस प्रकार से एक एक्टर अपने रोल में एकदम फिट हो जाता है, विलेन है वहाँ फिट है, प्रेमी है वहाँ फिट है, मम्मी है वहाँ फिट है, पापा है वहाँ फिट है, हर रोल में फिट है। एक साधक को जिस देवता की साधना करो उसमें बिल्कुल फिट होना चाहिए। और जब वो मंत्र जपे तो उसी भावना से आना चाहिए कि सामने जो बैठी देवी उसको लगे कि अरे यार ये तो एकदम रियल जप कर रहा है, समझे कि नहीं। अभी इस आश्रम पर एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मैं, एक हफ्ते का संन्यास पालन का व्रत। भले आप शादीशुदा हो कुछ उसमें नहीं, घर छोड़ भाग रहना है सन्यासी जैसा, जैसे वशिष्ठ विश्वामित्र सब पत्नी के साथ रहते थे, मैं भी पत्नी के साथ हूँ।
एक हफ्ता आश्रम पर रहना पड़ेगा, 100% ऐसे रहना पड़ेगा जैसा सन्यासी रहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ होगा। तो जिनको बड़ा जोश होगा कि हमको करना, फिर वो घर नहीं जाने पाएंगे एक हफ्ता। ये अधिक मास का सबसे बड़ा दिन था ये। एक और दिन आएगा ऐसा ही, जो कमला एकादशी आएगी, उसमें वहाँ बोर्ड लिखा है, उस दिन ज़्यादा समय दे के लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करना, और फिर पूर्णावती तो उसकी हो ही जाएगी। ठीक है, हर पूर्णिमा को यहाँ पे बगला माँ की विशेष पूजा होगी, जैसे काली माँ की पूजा होगी हर अमावस्या को, बगला माँ की होगी हर पूर्णिमा को। तो जिनको अपनी तरफ से चाहे काली माँ की चाहे बगला माँ की पूजा करानी हो, वो एडवांस अपना नाम लिखा कर रखेंगे, तो उन्हीं व्यक्तियों को अंदर जाके बैठ के घंटा डेढ़ घंटा जो भी टाइम लगेगा पूजा कराया जाएगा। ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो नहीं है प्रतीक्षक, मतलब ये होता है कि दक्ष बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान देना। दक्ष मीन्स एक्सपर्ट। जीवन में क्या क्या करके हम एकदम परफेक्ट हो सकते हैं, और परफेक्ट मतलब क्या, ठगी भी नहीं, उस कला में परफेक्ट होना जिससे हम ईश्वर से संपर्क कर लें, और केवल संपर्क नहीं कर लें, उससे परमानेंट हमेशा के लिए एकाकार हो जाएं। उस विधि उस विधान को जो समझाया जाता है, उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है दीक्षा। तो ये तो भ्रम है कि गुरु जी के पास जाएंगे वहाँ बच्चे बिगड़ जाएंगे, और जो बच्चे गुरुओं के पास गए ही नहीं वो महान कभी बने भी नहीं। हर महान आदमी कोई ना कोई गुरु है। राम गुरु के पास गए महान बने, कृष्ण गुरु के पास गए, सब गुरुओं के पास ही गए, मैं भी गुरु के पास गया। तो चलो गुरु मंत्र है, मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी विधिवत दीक्षा दी जाएगी गुरु पूर्णिमा के दिन। ठीक, मेरी आँख में देखते रहिए, मंत्र बोली, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु जी के साथ हमको दूसरा मंत्र कंपलसरी है भागवतनाथ जी का, क्रीम क्रीम भूतनाथाय नमः। इन मंत्रों का कम से कम 5 लाख पहले गुरु मंत्र का जप करें, और मिनिमम 1.25 लाख बाबा जी का मंत्र का जप करें। उसके बाद गुरु पूर्णिमा बहुत जल्दी आ रही है, उस दिन अन्य मंत्र दूंगा, बोले बगला माई की, और विष्णु भगवान महीना है तो उनका मंत्र भी दे ही देना चाहिए। तो जो मंत्र यहाँ से चलता है वो क्लीम राधा कृष्णाय क्लीम नमः, बोले क्लीम राधा कृष्णाय क्लीम नमः, बोले बगला माई की जय।